कोर्ट ने वीवीपैट को लेकर क्या बड़ा फैसला सुना है वो बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया है जिसमें वीवीपैट की सभी पर्चियों की गिनती और बैलेट पेपर से चुनाव की मांग की गई थी। देखिए इस पर हमारी ये रिपोर्ट। एससी में वीवीपैट पर सभी याचिकाएं खारिज। वीवीपैट की 100% पर्चियों का नहीं होगा मिलान। बैलेट पेपर से नहीं ईवीएम से होगा मतदान। 45 दिन तक सील रहेगी सिंबल लोडिंग यूनिट। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो याचिकाएं अब खारिज हो चुकी हैं जिसमें बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की गई थी और वीवीपैट की 100% पर्चियों की गिनती की मांग की गई थी। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सब चीजें आंकी हैं, आंकलन किया उनका और उसके बाद उसके हिसाब से उन्होंने फैसला दिया और उन्होंने सब चीजों को पूरे सोच विचार करके ही फैसला दिया। दो दिन चली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि चुनाव आयोग ने अदालत में सारे संदेह दूर किए, हर चीज पर अविश्वास नहीं जताया जा सकता, संदेह के आधार पर ही आदेश नहीं जारी कर सकते, संवैधानिक संस्था के कामकाज को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन इस दौरान कोर्ट ने यह भी बात कही कि सिंबल लोडिंग यूनिट को 45 दिन तक सील रहने दिया जाए और अगर किसी उम्मीदवार को ईवीएम में गड़बड़ी का संदेह होता है और वो वेरिफिकेशन की मांग करता है तो सारा खर्चा उसे ही उठाना होगा। इस दौरान अगर ईवीएम में छेड़छाड़ पाई जाती है तो सारा खर्चा वेरिफिकेशन की मांग करने वाले उम्मीदवार को वापस किया जाएगा। उम्मीदवार इस वेरिफिकेशन की मांग नतीजों की घोषणा के 7 दिनों के भीतर लिखित रूप से कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम लोग सब पालन करेंगे लेकिन होना चाहिए 100% वीवीपैट की गिनती होनी चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने दलील दी थी कि ईवीएम एक स्वतंत्र मशीन है, इसे ना तो हैक किया जा सकता है और ना ही इसमें छेड़छाड़ संभव है और ऐसा ही चुनाव आयोग पहले भी कहता आया है। ईवीएम्स आर 100% सेफ, 100% श्योर, वी नो नाउ। जाहिर है अब उन सवालों पर विराम जरूर लग जाएगा जो सवाल विपक्ष की तरफ से ईवीएम की अविश्वसनीयता पर उठाए जा रहे थे। लोकसभा चुनावों की लड़ाई एनडीए के लिए साख की लड़ाई है क्योंकि इस बार पीएम मोदी ने 400 पार का टारगेट सेट किया है जबकि इंडिया गठबंधन कह रहा है कि एनडीए 150 सीटों पर सिमट कर ही रह जाएगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के इन दावों की कहानी उन मुद्दों में छिपी है जो इस वक्त चुनाव के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस उनके चरणों में देने का मन बना करके बैठी है। अब जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। ईसाई परिवार के शहजादे बढ़ चढ़ करके कह रहे हैं अब आपकी संपत्ति का एक्सरे होगा। एक्सरे लोकतंत्र के महासमर का ये बदला हुआ मौसम है। गर्मी का पारा चढ़ रहा है तो सियासत उसके समानांतर चल रही है। दूसरा चरण आते आते ध्रुवीकरण के मुद्दों ने ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि पारंपरिक मुद्दे पिछड़ गए हैं और चुनाव नए मुद्दों की प्रयोगशाला बन गया। ओवैसी कोटे में मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा भी ऐसा ही है जिस पर कांग्रेस बुरी तरह से घिरी हुई है। कांग्रेस पहले से ही आधार बना रही थी कि ये इनके प्रकार मुस्लिम को एससी अनुसूचित जाति घोषित कर मुसलमानों को एससी आरक्षण की वैधता दिला दी जाए। कांग्रेस की एससी एसटी और ओबीसी के अधिकारों पर डाका डालने की यह आदत बहुत पुरानी। ओबीसी कोटे में मुस्लिम आरक्षण की कहानी का सिरा कर्नाटक की कांग्रेस सरकार से जुड़ा है इसलिए बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। आपको याद होगा पहले चरण की कहानी में परिवारवाद का मुद्दा भी सियासत की धुरी के इर्द गिर्द घूम रहा था लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखी बातों को आधार बनाया तो चुनाव में और तपिश आ गई। कांग्रेस इन सभी ओबीसी जातियों से उनका हिस्सा छीनकर अपने चहेते वोट बैंक को मजबूत करने के लिए उनके चरणों में देने का मन बना करके बैठी है। बीजेपी ने इस मुद्दे को ऐसे ही हवा नहीं दी थी।
पीएम मोदी ने राहुल गांधी के उस बयान को भी टारगेट किया था जिसमें वो संपत्ति के एक्सरे की बात कर रहे थे। अब जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। जैसे ही मेरे, उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। इसी दौरान पीएम मोदी ने मुद्दों को नया ट्विस्ट दिया और कांग्रेस के मैनिफेस्टो का ही हवाला देकर मंगलसूत्र से लेकर कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण वाली राजनीति पर पूरी पार्टी को घेर लिया। पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। लेकिन विपक्ष भी दांव पर दांव चल रहा है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, AIMIM हर मुद्दे की काट तलाश रहे हैं। मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो आपको अच्छा लगा? आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री पैनिक कर गए हैं। हाँ, बिल्कुल हिल गए, घबरा गए। क्रांतिकारी मैनिफेस्टो, वो पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश और देश के माहौल को बदलने जा रही है। आज गाजियाबाद में बैठे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी को गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक इंडिया गठबंधन सफाया करने का काम करेगा। जाहिर है अब तीसरे चरण के मतदान से पहले ये मुद्दे अब और जोर पकड़ेंगे, क्योंकि विपक्ष के सामने सवाल सत्ता में आने का है, तो सत्ता पक्ष के सामने अपने लक्ष्य को और बड़ा करने का। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते, बताते चलें कि जयपुर एयरपोर्ट पर बम की सूचना मिलने के बाद एयरपोर्ट प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। जी हाँ, एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी। आपको बता दें कि बम ब्लास्ट की धमकी मेल के जरिए मिली थी, जिसके बाद टर्मिनल बिल्डिंग की जांच शुरू कर दी गई है। सिटी साइड और एयर साइड में भी जांच जारी है। लिहाजा पूर्व में भी दो बार मिल चुके हैं बम विस्फोट के मेल, और इस बार मेल में एंट्रेंस गेट पर बैग रखने की जानकारी मिली है, जिसके बाद चेकिंग जो है वो शुरू कर दी गई है। जयपुर एयरपोर्ट पर आज एयरपोर्ट प्रशासन के पास दोपहर में बम ब्लास्ट का एक हॉक्स मेल आया है, और उसके बाद से एयरपोर्ट प्रशासन में हड़कंप मच गया है, खलबली मच गई है, और तभी से जांच शुरू कर दी गई है। इस वक्त राजधानी के एयरपोर्ट पर मैं मौजूद हूँ, जहाँ मैं आपको तस्वीरों के जरिए बताऊँगी कि यहाँ पर पूरी सुरक्षा पैसेंजर्स के लिए भी कर दी गई है, जाँच पड़ताल जारी है। और मैं आपको बता दूँ कि ये पहली बार मेल एयरपोर्ट प्रशासन के पास नहीं आया है। ये पहले दो बार भी ऐसे धमकी भरे मेल एयरपोर्ट प्रशासन को प्राप्त हो चुके हैं। इस बार तीसरा मेल प्राप्त हुआ है, जिसमें बताया गया है कि टर्मिनल 2 पर बम ब्लास्ट हो सकता है, ऐसा उस मेल में लिखा गया है। और साथ ही ये जानकारी भी उस मेल के जरिए मिली है कि किसी एक बैग में वो बम ब्लास्ट होगा, यानी कि बम रखे हुए हैं। और उसके बाद से यहाँ पर पुलिस भी बड़ी संख्या बल में तैनात है, पैसेंजर की सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। वहीं CISF के जवान भी एयरपोर्ट की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए सारी कोशिशें कर रहे हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये तीसरा मेल है जब एयरपोर्ट प्रशासन को प्राप्त हुआ है, और उसके बाद एयरपोर्ट प्रशासन भी सख्ती में आ गया है और पूरी तरह से जांच पड़ताल यहां पर की जा रही है। हाल फिलहाल सिर्फ एक जानकारी अभी तक यह प्राप्त हुई है कि टर्मिनल 2 पर किसी एक बैग में बॉम्ब की सूचना उस मेल के जरिए मिल सकी है। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ महिमा जैन।